नमस्कार, आप देख रहे हैं लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। हमेशा की तरह आज भी कुछ खास जानकारी लेकर हम आपके बीच मौजूद हैं और आज बात करेंगे पूजा पाठ का फल क्यों नहीं लगता, देवता आखिर हमारी क्यों नहीं सुनते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कई लोगों के सवाल रहते हैं कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन हमारी बातें ऊपर वाला या परमपिता परमेश्वर नहीं सुन पाता है। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी संख्या में पूजा पाठ करते हैं। किसी के घर में देवी को पूजा जाता है तो किसी के घर में हनुमान जी को पूजा जाता है। सबका अलग अलग महत्व है। सही बात है, अलग अलग देवी देवता को पूजा जाता है। कोई दुर्गा चालीसा कर रहा है तो कोई दुर्गा सिद्धि कर रहा है। आज का दौर तो नवरात्रि का दौर चल रहा है तो माता रानी को प्रसन्न तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लेकिन यदि कोई किसी विशेष स्थान पर बार बार जाता है या किसी विशेष स्थान पर जाता है, कोई संकल्प लेता है या व्रत उपवास करता है लेकिन आपको यह पता नहीं रहता कि इनका उपयोग आखिर कैसे किया जाए, इनका हमें उपयोग कैसे करना है, हमें आगे कैसे बढ़ना है, तो इसे हम समझते हैं उदाहरण के तौर पर। दरअसल एक श्रद्धालु ने हनुमान जी को सिद्ध किया था, हनुमान चालीसा को सिद्ध किया था। उन्होंने हनुमान चालीसा सिद्ध करके रखी थी और उन्होंने बताया कि बार बार हमारे बच्चे डर जाते हैं, चमक जाते हैं, रोने लगते हैं। रात के वक्त उठकर उनको लगता है कि कोई एक शक्ति है जो कि उन्हें डरा रही है। हर कोशिश की गई लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, तो भाई आखिर बात क्या है। तो उनके घर में उन्होंने हनुमान चालीसा सिद्ध करके रखी थी लेकिन उनके घर में एक बूढ़ा प्रेत रहता था। जी हाँ, उन्होंने हनुमान चालीसा सिद्ध करके रखी लेकिन उसके बावजूद भी नकारात्मक शक्ति है। बड़ा सवाल है, जानेंगे, विश्लेषण इसी पर हम करेंगे। तो उन्हीं के साथ वो बूढ़ा प्रेत उनके घर में निवास करता था और उन्होंने हनुमान चालीसा सिद्ध करके रखी थी। हनुमान चालीसा सिद्ध करने के बाद भी नकारात्मक शक्तियां कैसे, लाजमी है, ये सवाल उठता है आपके दिलो दिमाग में, सवाल आ भी रहा होगा। उस घर को उन्होंने पवित्र बना कर रखा था क्योंकि वो हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन उसके बाद भी जब घर में प्रेत आकर उनके साथ आखिर क्यों रहता था, कौन सी चीज थी जो कि उन्हें पता नहीं है और वो चीज पता नहीं थी जिसके चलते उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उनके बच्चों के साथ ये घटनाक्रम घट रहा था। वो कारण था उनके संकल्प लेने की कमी। उन्हें संकल्प लेना नहीं आता था, उनको प्रार्थना करते नहीं आता था। उनको लगता था कि अगर मैं हनुमान चालीसा की सिद्धि कर रहा हूं तो प्रेत मेरे घर से अपने आप चले जाएंगे, या किसी देवी देवता को मैं मानता हूं या मेरे घर में किसी देवी कुलदेवी या देवता की पूजा होती है तो वो उस शक्ति से भूत प्रेत या नकारात्मक शक्तियां या किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव है वो अपने आप चले जाएगा, वो अपने आप मेरे पास से दूर हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, आप नहीं जानते कि किसी की भेजी चीज अपने आप आ जाती है। अगर आप वो आत्मा आपके घर में है, वो आपके साथ है, तो वो जरूर चली जाएगी। लेकिन अगर किसी ने भेजी है, किसी तांत्रिक ने या कोई आपका दुश्मन है, वह भी अपने आप नहीं जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। कई ऐसे लोग हैं जो जलते हैं, जो ईर्ष्या करते हैं हमारे से कि आप अच्छा रह रहे हो, उनके साथ अच्छी चीजें हैं, हमारे साथ क्यों नहीं है। तो ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, उसके लिए हम पूजा पाठ करते हैं। चाहे दुर्गा चालीसा को ही आपने सिद्ध क्यों ना किया हो, अगर आपको संकल्प लेते नहीं आता या प्रार्थना करते आपको नहीं आता है तो यह तय है कि नकारात्मक शक्ति आपके घर से नहीं जाएगी। यह अलग बात है कि उसका इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जब तक हमने संकल्प नहीं लिया है तब तक आखिर हम ये कैसे सोच सकते हैं कि वो दूर हो जाए। इसके लिए आपको संकल्प लेना आना चाहिए। विश्वास मानिए, अगर आप प्रतिदिन यह प्रार्थना या संकल्प लेते हैं तो आपकी सारी समस्या अपने आप खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। न सिर्फ समस्या दूर होंगी, आपकी हर इच्छा की भी पूर्ति होगी जो कि आप चाहते हैं। ऐसे में आपके घर में गलत चीजें होना बंद हो जाएंगी। इसे आजमा कर देखिए, आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन संकल्प हम कैसे लें, हमें संकल्प लेना आना चाहिए, इसके लिए जानकारियां हमने पहले के वीडियोस में भी दी है। एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, बहुत ज्यादा श्रद्धालु नहीं जानते होंगे। इतना ही नहीं, इतनी सी समस्या के निदान के लिए यहां वहां जाने और आखिर कहां कहां हम भटकेंगे। आप खुद ये सोचिए कि एक छोटी सी समस्या है तो आप कितने लोगों से मिलेंगे, कितने लोगों के पास जाएंगे। इस दौरान कई लोग ऐसे भी हैं जो कि लूट लेते हैं आपको, आपको परेशान भी करते हैं।
आपका पैसा बर्बाद होगा, आपका समय खराब होगा, आपके सारे काम भी बन जाएंगे। आप प्रार्थना करना सीखिए। प्रार्थना कैसे की जाती है? हाथ जोड़कर आप प्रार्थना करिए, सच्चे मन से प्रार्थना करिए, भगवान को मनाना सीखिए कि उन्हें यानी परमपिता परमेश्वर को आखिर कैसे हमें मनाना है ताकि हमारे काम बन जाए। ये बहुत छोटी सी जानकारी है, बहुत छोटी सी, ये सभी को पता होती है, लेकिन हमें इसे जमीन, हम इसे कैसे उतारे, हम संकल्प कैसे लें, इसलिए हमें लगा कि यह जानकारी आपके साथ हमें साझा करनी चाहिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपने तपोबल से सिद्धि तो हासिल कर ली है, जिन्होंने तपोबल से सिद्धि प्राप्त कर ली है। बहुत से ऐसे साधक हैं जिन्हें हनुमान जी की शक्ति है, जिनके पास माता रानी की शक्ति है। नवरात्रि का ये बहुत बड़ा पर्व चल रहा है, शक्ति आराधना का ये पर्व है, और ये तो दौर ही होता है कि माता रानी को मनाने का। तो जो साधक माता रानी को मनाना चाहते हैं वो साधक माता रानी की दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं। लेकिन साधना के बाद, सिद्धि भी हासिल करने के बाद, वो अपने घर की समस्या हल नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने बस मन में सोचा लेकिन बोला नहीं। लेकिन आपको बता दें कि सिर्फ और सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपको माता रानी से, भगवान से बोलना होगा, परमपिता परमेश्वर से बोलना होगा, जिनके लिए आप सिद्धि कर रहे हैं। आपको बोलने के बाद आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। आप यह जरूर करिए और उसे आजमाने के बाद आप हमें बताइएगा जरूर कि आपको कितना फायदा हुआ। एक बात मानकर चलिए कि हमें परमपिता परमेश्वर में श्रद्धा रखनी होगी, उसके बाद ही हमारी समस्याएं खत्म होंगी। यदि आपकी श्रद्धा नहीं है, सच्चे मन से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो सारी चीजें नहीं होंगी। कहने का अर्थ यही है कि जब हमारे पास शक्ति है, सिद्धि है, तो हमें उसका उपयोग करते आना चाहिए। और यदि हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं तो ये न सिर्फ हमारे साथ, जो हमारा परिवार है, इसे भी खामियाजा भुगतना होगा कि आखिर हमने सिद्धि हासिल कर ली है लेकिन हमारी समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही हैं। तो आज हमने आपको जानकारी दी ऐसे विषय पर जो बहुत जरूरी है कि आपने पूजा अर्चना की है, प्रार्थना की है, लेकिन भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते हैं। तो छोटी सी बात हमने आपको बताई है, लेकिन कोशिश जरूर करिए, इस बात को अमल करिए, और इसके साथ ही साथ आप इसे सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा के साथ संकल्प लीजिए, भगवान के सामने अपनी समस्या रखिए, और ये भी कहिए कि समस्या के बाद मैं क्या करूंगा। तो भगवान आपके साथ हमेशा रहेंगे, परमपिता की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। कोशिश यही रहनी चाहिए कि हमें संकल्प लेते आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा।